नमस्कार मित्रों, 8 मई 2023 को ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है गणेश जी का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस वीडियो में हम सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की प्रसिद्ध कहानी आपसे सुनाने वाले हैं। तिल चौथ की देवरानी जेठानी की कहानी इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी का घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े अपनी देवरानी को दे देती थी। देवरानी का परिवार इससे ही चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कही सुनी। तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने भी व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा। जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही आ जाना और मैं बचा हुआ खाना तुम्हें दे दूंगी। देवरानी के घर पर उसके पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करने जाती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह स्त्री बोली, कुछ सोई हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना दे देती थी लेकिन आज तो वह भी नहीं मिल पाया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पर पड़ा है, जाकर खा ले। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट ले। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब वहाँ पहुँचूँ, कहाँ पहुँचूँ? तब नींद के मगन में देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहा है? वह बोली, जा मेरे सिर पर ही पहुँच ले। ऐसा कह के वह दोबारा से सो गई। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ पर विनायक जी ने पोंछनी की थी वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक रहा देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से मेरा घर धन धान्य से भर गया है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई आई,
देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, अब मुझे धोवने से पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया, अब तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मेरे यहाँ तो घी का चूरमा बना है, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जितना मर्जी खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटाई लगी है। जेठानी बोली, उसके लिए यहाँ तो झोंपड़ी टूटी फूटी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल पड़ा है, जहाँ चाहो निपट लो। गणेश जी ने पूछा, आप पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी सोने की बिंदी लगी है, वहाँ पर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा। देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या दिया, मुझसे रूठ गए और देवरानी पर टूट गए। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी जाती ही नहीं और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हो गया तो वह और भी गुस्से में आ गया। इतने में परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करके तूने यह सब किया है, अब इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब यदि तू अपना आधा धन गरीबों को बांटेगी, तभी तुम्हारे घर से यह सब गंदगी साफ होगी। जेठानी बहुत ही चलाक थी, उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा, गणेश जी को पता ही नहीं चलेगा, धन को वह छुपाना चाहती थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तो आप हमारे घर से सारी गंदगी हटा दीजिए। लेकिन गणेश जी बहुत चतुर हैं, गणेश जी ने कहा, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी को भी एक एक सुई की तरह निपटा दे, नहीं तो तेरे सारे धन को नष्ट कर दूंगा। गजानन जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे हम सब पर भी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर गणेश जी महाराज अपनी कृपा बरसाएं, लेकिन जैसे जेठानी को सजा दी, वैसे किसी को भी मत देना। हे गणेश जी महाराज, यदि यह कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, यदि आपको जेठानी देवरानी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।